ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर जो है बेटे, एक तो वाजे फंक्शन जो इसका हमें पता है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, मेन काम इसका सुनना, कोई भी आवाज़ हमारे इर्द गिर्द जो सुनी जाती है उसकी रिसेप्शन जो है वो हमारे ईयर्स करते हैं। दूसरा इसका मेन काम बॉडी बैलेंस, और इक्विलिब्रियम, हमारे जिस्म का तवाज़न कायम जो रखा जाता है, उनके लिए भी ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा इसका कंपोनेंट है जो कि बॉडी बैलेंस मेंटेन रखने में मदद देता है। अब हमारा ईयर जो है दैट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। मैंने बेटे जैसे आपको बताया था कि हमारे जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं वो ज़्यादातर तीन का कुलिया उनमें चलता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इसी तरह हमारी आँख की तीन लेयर्स थी, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। अब अगर एक्सटर्नल ईयर पर आए हम, बैरूनी कान जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं फिज़िकली, अब ये फर्दर मुश्तमिल है तीन पार्ट्स पे, पिन्ना, ऑडिटरी केनाल एंड टेम्पिनम। या हम इसको दूसरा नाम ईयर ड्रम का देते हैं। पिन्ना क्या है? ये जो फिजिकली नजर आने वाला हिस्सा है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किसका बना हुआ है? कवर्ड विद स्किन। और इसके ऊपर क्या मौजूद है बेटे? पिन्ना जो है वो एक एंटीना के तौर पे ही आप कह लो काम कर रहा है। इसका काम क्या है? ये इकट्ठी करता है हमारी ऑडिटरी वॉइसेस जो हैं उनको इकट्ठा करके डायरेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स ऑडिटरी के नाल, रिसीव्स एंड डायरेक्ट वॉइसेस टुवर्ड्स ऑडिटरी केनाल। नेक्स्ट हिस्सा हमारा दैट इज ऑडिटरी केनाल। ऑडिटरी केनाल जो है, केनाल हम एक लंबी नाली को कह देते हैं, थोड़ी सी लंबी है, पिन्ना से शुरू हो रही है और ख़त्म होती है जाके हमारे टेम्पेनम पे, हमारे ईयर ड्राम पे। देर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ ऑडिटरी केनाल। यहाँ पे खास ग्लैंड्स मौजूद हैं, यहां पर छोटे बाल मौजूद हैं, ग्लैंड्स का क्या काम है? दैट प्रोड्यूस वैक्स। इनका क्या काम है? अब इस वैक्स का क्या काम है? ये हमारे कानों के अंदर डैम्पनेस को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ड्राई नहीं रहने देती। वैक्स और बाल मिलके ये हमारे कान के अंदर छोटे गर्द के ज़र्रात जो हैं उनको हमारे इनर ईयर तक पहुंचने से बचाते हैं। हेयर्स एंड वैक्स फाइन पार्टिकल की एंट्री को रोकते हैं। वो जो वैक्स आपकी
बहुत गंदी हो चुकी होती है, वो हो चुकी होती है आपके बाहर के डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। इन एडिशन टू दिस दे हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। अब दो फंक्शंस हैं, एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एंट्री ऑफ फाइन पार्टिकल्स टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं, डैम्पनेस इन द ऑडिटरी कैनाल उसको ये बरकरार रखते हैं। तीसरा कंपोनेंट हमारे एक्सटर्नल ईयर का, ईयर ड्रम, एक मेम्ब्रेनस पोर्शन है, थिन मेम्ब्रेन है, ये थिन मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से, इट सेपरेट्स एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। इसका काम क्या है? साउंड वेव्स जो हमारे पिन्ना ने रिसीव की और डायरेक्ट कर दी ऑडिटरी कैनाल की तरफ, ऑडिटरी कैनाल से वो गुजरी, दैट विल प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑन दिस मेम्ब्रेन। इस पे ऊपर क्या होंगी? वाइब्रेशंस पैदा होगी, इन वाइब्रेशन को आगे मुंतकिल कर दिया जाएगा मिडल ईयर के अंदर। अब ये जो हमारा मिडल ईयर है ये किन पे मुश्तमिल होता है? इसमें तीन छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं, इनको हम मिडल ईयर ऑसिकल्स का भी नाम देते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां, तो वो हमारे कान में मौजूद होती हैं, जिनको हम मिडल ईयर ऑसिकल्स का नाम देते हैं। अब ये तीन होती हैं तादाद में, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ये तादाद में कितनी है? तीन है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। और ये जो स्टेप्स है ये इन दोनों से भी छोटी होती है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ स्मॉलेस्ट बोन। ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे जिस्म की, और ये मौजूद भी इसी तरतीब में होती हैं, ईयर ड्रम हमारे एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा, उसके साथ आगे जुड़ी हुई है मेलियस, मेलियस के आगे जुड़ी हुई है इंकस, और इंकस से आगे जो है वो स्टेप्स मौजूद होती है। एक तरतीब से ये तीनों मौजूद हैं। अब ये जो स्टेप्स है ये एक मेम्ब्रेनस पोर्शन से फिर दोबारा जुड़ती है, स्टेप्स जॉइन विद ओवल विंडो। उस पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है? ओवल विंडो। ये भी मेम्ब्रेन का बना हुआ हिस्सा है। जो ओवल विंडो है बेटे, ये मिडल ईयर को इनर ईयर से अलहदा करती है। ओवल विंडो, ये ओवल उसके शेप की वजह से कहा गया है, वो गोल नहीं होती, ओवल शेप्ड होती है, इसलिए इस ओवल विंडो सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। अब इस मिडल ईयर को कम्युनिकेट किया जाता है नाक के साथ।
आपने कभी नोट किया होगा, आंखें खराब हो ड्रॉप डालें गले में आ जाते हैं, नाक की बंदिश हो नाक की दवाई डाली जाए वो गले में आ जाते हैं, मुंह वाले तो गले में आने ही आने। तो इट मींस दे आर सम हाउ कनेक्टेड एट सम प्लेस, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी जगह से। ये जो मिडल ईयर है ये हमारे नाक के साथ कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, एक ट्यूब है उस ट्यूब के जरिए ये कम्युनिकेट करता है हमारे नाक के साथ। अब ये कम्युनिकेशन किस लिए है, ताकि कान के दोनों तरफ हवा का प्रेशर बरकरार रखा जा सके, टू मेंटेन प्रेशर। एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर, कान के दोनों तरफ हवा के प्रेशर को बरकरार रखें ताकि वाइब्रेशन ठीक हो सके, हड्डियों की वाइब्रेशन आगे मुंतकिल हो सके। आपने नोट किया होगा कि जब कभी आप नाक को दबाकर सांस बाहर निकालने की कोशिश करते हो ईयर ड्रम पे प्रेशर फील होता है। आपने ये भी फील किया होगा कि अगर कान में पानी चला जाए नहाते हुए या किसी भी तरीके से, तो सारा दिन आपको उस पानी की वाइब्रेशन सुनती रहती है, पांव भी जमीन पे लगता है तो उसकी वाइब्रेशन सुनती रहती है। वो क्यों होता है, वो एयर प्रेशर डिस्टर्ब हो चुका होता है। लेकिन जब वो पानी निकल जाता है एयर प्रेशर मेंटेन होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी यूस्टेचियन ट्यूब की, जो कि दोनों को कम्युनिकेट करवा रही है, हमारे नाक को हमारे थर्ड पार्ट दैट इज इनर ईयर। ये इनर ईयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ये भी तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर केनाल कॉक्लियर, वही तीन वाला कुलिया चलता आ रहा है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर केनाल एंड कॉक्लियर। वेस्टिब्यूल क्या है, इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर, ये मिडल पोर्शन है इनर ईयर का, इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर। अब थ्री केनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर केनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल, कितनी है बेटे, थ्री केनाल्स हैं, मौजूद कहां पे हैं, टू द पोस्टीरियर ऑफ वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के पीछे मौजूद हैं। पोस्टीरियर का मतलब क्या है, एंटीरियर का क्या मतलब होता है, शुरू सामने। द कॉक्लिया इज मेड ऑफ थ्री डक्ट्स एंड रैप्स इटसेल्फ इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब्स, कॉक्लिया किस पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ थ्री डक्ट्स, और क्या है वो, लिपटी हुई है एक दूसरे के ऊपर, रैप्स ऑन इटसेल्फ, क्या बनाता है बेटे, फॉर्म कॉइल ट्यूब्स। अब साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया, साउंड रिसेप्टर सेल्स कहां पे मौजूद हैं, ये तीन डक्ट्स हैं ना, इन तीन डक्ट्स के मिडल डक्ट में। मिडल डक्ट ऑफ
कॉकलियर। अब ये सुनने में कैसे मदद देते हैं? सबसे पहले हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो आके टकराई पिन्ना से, पिन्ना ने क्या किया, ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्ट कर दी। ऑडिटरी कैनाल ने कहाँ शिफ्ट कर दिया उनको, ईयर ड्रम पे। इसकी वाइब्रेशंस पहुंची मेलियस तक, मेलियस में वाइब्रेशन होगी इंकस से, स्टेप से, ओवल विंडो। अब उसके आगे फ्रॉम द स्टेप्स द वाइब्रेशन स्ट्राइक द ओवल विंडो एंड देन रीचेस द फ्लूइड फील्ड मिडल डक्ट ऑफ कॉकलिया। ये जिसमें हमने कहा साउंड रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है। जब इस फ्लूइड में से वो वाइब्रेशन गुजरती हैं तो इनमें इरताश पैदा होता है, इनमें खुद वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये जो फ्लूइड में वाइब्रेशंस आती हैं इनको हमारे रिसेप्टर जो यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं वो रिसीव करते हैं और ऑडिटरी नर्व के जरिए ये पहुँचती हैं कहाँ पे, ब्रेन तक। द रिसेप्टर सेल जनरेट अ नर्व इम्पल्स विच ट्रेवल टू ब्रेन एंड इज इंटरप्रेटेड एज साउंड। तो हमारा दिमाग बताता है कि ये आवाज है, फिर दिमाग के मुख्तलिफ सेंटर्स बताते हैं कि ये क्या आवाज है या कैसी आवाज है या क्या कहा जा रहा है, फिर उसकी याददाश्त बनती है। एक बात हमने की कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन हीरिंग है, लेकिन उसके साथ साथ तो कैसे, सेमी सर्कुलर किनाल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। ये हमारी दो चीजें, सेमी सर्कुलर किनाल्स और वेस्टिब्यूल, ये जो हैं ये बॉडी बैलेंस मेंटेन रखने में मदद देते हैं। आपने नोट किया होगा कान पे चोट लगती है बंदा हिल जाता है, वो इंटेंसिटी नहीं होती उसकी, थप्पड़ लगता है, छेड़खानी से कोई मार देता है, आप अपनी जगह से हिल जाते हो। अब वो हिलना इनके डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। सेमी सर्कुलर किनाल्स कंटेन सेंसरी नर्व्स विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। इन दोनों में, हमारे दोनों तरफ कानों में ये जो सेमी सर्कुलर किनाल्स और वेस्टिब्यूल्स हैं वो हमारी हेड की मूवमेंट्स जो हैं इनको जज कर सकते हैं। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ बॉडी। हम पोजीशनिंग जो है हमारी, आंखें बंद भी हो हमें पता होता है कि हम किस साइड पे खड़े हैं या कैसे खड़े, तो वो कौन डिटेक्ट कर रहा है, आंखें तो बंद। वेस्टिब्यूल द नर्व्स न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर रीच सेरिबेलम थ्रू द ऑडिटरी नर्व। ये कहां तक पहुंच जाते हैं, सेरिबेलम तक, जो कि हमारी पोजीशनिंग को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद देता। ये टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो मेरा बेटा।